संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल से आए हुए हैं यहाँ भगवती विहार में। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है जी। यहाँ पे काफ़ी टाइम से, 3 महीने से एक्चुअली क्या है, रोड सीवर लाइन ब्लॉकेज थी तो ये आगे ब्लॉक कर जाते हैं कभी कभार, फिर ये खोद जाते हैं, फिर टाइम टू टाइम इनका काम नहीं होता है इनका यहाँ पे। कब से ये समस्या बनी हुई है इसको? तो 3 महीने से हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर रहे? वर्क तो हो गया खैर कम्प्लीट, मलबा फिर काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, कई बार यहाँ रिक्शे भी पलट चुके हैं यहाँ पे, कई बार आके कंप्लेन भी गई है फिर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं है जी यहाँ पे। आपने कभी कंप्लेन वगैरह की? पापा ने की है यहाँ पे, कई बार पड़ोसियों ने भी कंप्लेन की है यहाँ पे, पर फिर कोई को सुनवाई नहीं, आते हैं 2-4 बेलचे को थोड़ी करके चले जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता जी। और किसी तरीके की यहाँ पे कोई समस्या पानी की? पानी की समस्या तो पूरी कॉलोनी के अंदर यहाँ पे कभी आए दिन बरस समस्या है, पानी गंदा पानी आता है यहाँ पे, पीने का गंदा पानी, पानी गंदा आता है, सीवर लाइन ब्लॉक पूरी रोड पे ब्लॉक रहती है यहाँ पे, आगे आप जाओ पूरी ब्लॉक है रोड पे। आप पानी वैसे रेगुलर आता है, रोज आता है? नहीं रोज नहीं आता, एक दिन छोड़ के आता है पानी, वो भी कभी आ गया तो आ गया। अच्छा, आता है तो साफ आता है? आता है, कभी साफ आ गया कभी गंदा आ गया। हाँ जी। और किसी तरह की नालियों की गंदगी की क्या रहती है, कूड़े वगैरह की? कूड़े तो टाइम टू टाइम यहाँ पे रहता ही रहता है। तो सफाई नहीं करते? करते हैं, फिर आते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, आते हैं सफाई कर्मचारी आते हैं टाइम टू टाइम आते हैं, खैर वो इतना उस समय से सफाई नहीं होती है, कूड़ा पड़ा रहता है, फॉर्मेलिटी पूरी करके जाते हैं जो भी आते हैं जी। आप लोग के यहाँ दिक्कत नहीं होती, नालियाँ ऐसे खुली हुई हैं और आप लोग की शॉप है ऊपर से? यार मच्छर डेंगू का इस टाइम आप देख ही रहे हो, सीजन चल ही रहा है हिसाब से, कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं, कई लोग नाले में भी गिर चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब नाले में गिर जाते हैं अंधेरे में, उसमें फिर क्या करते हैं यहाँ के अगर कोई विधायक या काउंसलर वगैरह? कुछ नहीं है जी, कोई ना कोई नेता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस का, चाहे आम आदमी हो, आता है अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, ये शक्ल दिखा के चले जाते हैं, मैं बस कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपका शुभ नाम? हरवंशलाल। हरवंशलाल जी, आप ये बताएंगे यहाँ क्या तकलीफ है, यहाँ क्या आपको प्रॉब्लम मिल रही है फेस करने को? नाली है जी, रोड है, नाली की क्या प्रॉब्लम है? नाली भरी हुई है, टूट बढ़ने वाली है, नाली नहीं बनेगी। अच्छा, नई नाली बनेगी, रास्ता फुल, नाली का निकासी नहीं है पानी की? निकास नहीं है नल पानी डाली। और क्या प्रॉब्लम है? पानी पीने का पानी ठीक? पानी इसी तरह जी, कदे ठीक आता है कदे नहीं आता, एक दिन आता है एक दिन आता है एक दिन जाता नहीं। अच्छा, पानी का रेगुलर सप्लाई नहीं है। अच्छा, वैसे सफाई के मामले में कैसा है ये एरिया? सफाई में कभी जमादार अपनी मर्जी के है। अच्छा, कर्मचारी सफाई कर्मचारी डेली नहीं आते? डेली नहीं आते, बस गलियां रोड पे आ जाते, गली में नहीं आएंगे, गली में नहीं आएंगे। अच्छा, और क्या आपको यहाँ तकलीफ लगती है? यहाँ पर यहाँ जो मूवमेंट है, रोड भी नहीं है तो ना कोई तकलीफ, सारी तकलीफ ही है। मतलब समस्याएं ज़्यादा हैं। आपने कभी कंप्लेंट करी कभी कि कहीं पर? करे किसके? आपने काउंसलर से? ना कुछ नहीं फायदा। तो यहाँ के काउंसलर कौन? आप पार्टी के हैं? आम आदमी के। ठीक है, देखिए यहाँ पर कूड़ा, देखिए यहाँ पर जगह जगह कूड़ा है और सफाई नहीं हो रही, नालियों का पानी ब्लॉकेड है, ये देखिए पानी की रेगुलर फ्लो नहीं है, निकासी नहीं है पानी की, पानी रुका हुआ है और यहाँ नालियों की बड़ी प्रॉब्लम है, पीने के पानी में भी यहाँ पर काफ़ी समस्या है, पीने का पानी भी यहाँ ठीक नहीं है।